अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अभी जो है जुम्मा है, आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मा स्टार्ट हो चुका हुआ है। अभी वो खैर 12 बजे है, 12 बजे जो है अभी 12:30 बजे अजानें शुरू हो जाती है जुम्मे की। आज नाया भी स्कूल से जल्दी आ गई है। जुम्मे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हुई, जुम्मे वाले दिन कितने सारे बच्चों के काम करने वाले होते हैं, राहुल खुद के काम करने वाले होते हैं, काम जो है ना कभी नहीं खत्म होते ज़िंदगी में से। तो आज जो है मैं ऑयल लगाने वाली हूँ इनको। वालेकुम अस्सलाम, चलिए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पे अभी जो है सब बच्चों को मैंने ऑयल लगाना है। मीर को लगाऊंगी, उसके बाद अनाया को, आयला को, सबको ऑयल लगा के फिर मैंने खुद भी ऑयल लगाना है। एक डेढ़ घंटा इनके ऑयल लगा रहे दूंगी, फिर उसके बाद इनको नहलाऊंगी, नेल वगैरह कट करने होते हैं, और जी जो है वीक के बाद जो इनकी प्रॉपर वाली सफाई होती है तो वो फिर जो है इनकी फ्राइडे वाले दिन होती है। तो अभी जो है ब्लॉग इधर से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं ऑयल लगा रही थी मीर को, और ऑयल लगाते लगाते बता रही थी आप लोगों को बहुत सी बातें, पर जो है बाद में पता चला वीडियो का जो वॉल्यूम है वही आवाज़ ही नहीं ठीक आ रही, पता नहीं स्पीकर का कोई मसला हो गया था। तो यही मैं बता रही थी कि ऑयल जो है कि मैंने जो बनाया था ये बहुत अच्छा ऑयल था, और इसके जो है बहुत जिसने भी इसको बनाया है ना देख के वीडियो को, उसने तारीफ़ की है कि भाई बहुत अच्छा ये ऑयल बना है। तो ये बता रही थी कि अगर आप ऑयल लगाते हैं, लगाने से पहले जो है ना एक इसमें कैप्स सब डाल देना, तो बाल आपके इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने शाइनी से आपके बाल हो जाएंगे। तो आप जो है ना, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोग जल्दी जाके वीडियो देख लें। अब मैं जल्दी से नाया के जो बाल वगैरह उन पर मैं लगाऊंगी ऑयल, उसके बाद अपने बालों में लगाऊंगी। फ़ोन की मेरी बैटरी भी लो हो गई है, और जो है उसके बाद मैं फ़ोन चार्ज पे लगाऊंगी, और जब थोड़ा बहुत काम करके फिर। और अभी आप इसके बाल देखने आना, जब मैं इसको नहलाऊंगी इसके बाद इसके बालों की शाइन आप चेक करना, कि इसको ऑयल लगाने के बाद बाल एकदम से इतने शाइनी हो जाते हैं और इतने अच्छे हो जाते हैं। मकसद वीडियो में बताने का ये है कि इंसान को हमेशा अच्छी चीज़ बतानी चाहिए किसी दूसरे को, कि फ़ायदा भी हो जिससे। कि हम जब किसी को अच्छी बुरी चीज़ भी तो बताते हैं अपनी वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए, कुछ लोग बताते हैं अच्छी चीज़ें भी बताते हैं, पर जो है ज़्यादातर बस व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ हम दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, और उसके रिज़ल्ट कुछ और होते हैं। लेकिन जो है मेरा जहाँ तक मानना ये है कि इंसान को अच्छी वो चीज़ बतानी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे किसी दूसरे का फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। तो आजकल आपको पता है बालों का ज़्यादातर मसले मसाइल ही रहते हैं। मैंने अपने बालों में भी ऑयल लगा लिया, बच्चों के भी लगा लिया, अपने भी लगा लिया। तो अब जब तक सर पे ऑयल लगा हुआ है फारिक तो बैठना नहीं है, तो फारिक बैठने से अच्छा है कि जो मैं पहले जाऊँ किचन में। जो मेरे ब्लॉग देखेंगे ना आप मुझे ज़्यादा काम करते हुए देखेंगे, क्योंकि सारा दिन बिजी गुजरता है। हाउस वाइफ जो होती हैं उनका यही काम होता है, बच्चे संभालो, काम करो, फिर YouTube के लिए भी टाइम निकालो। फिर भी शायद मैंने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। मैं होती हूँ साहिवाल में, और वो होते हैं कभी लाहौर में होते हैं, यहाँ सियालकोट में होते हैं, तो इसलिए वो हमारे पास नहीं होते हैं। एक मंथ के बाद उनका चक्कर लगता है, कभी एक मंथ के बाद, कभी एक से डेढ़ माह के बाद जो है ना वो घर आते हैं। तो अब मैं साथ साथ वीडियोस में आप लोगों को क्लियर भी किया करूँगी कि क्या है क्या नहीं, जो जिनको वीडियोस में समझ नहीं आ रही होती है कि क्या अच्छा क्या क्या फैमिली रिलेशंस हैं या क्या है क्या है क्या। तो आहिस्ता आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर किया करूँगी, पर उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जो लोग चैनल पर नए हैं और जो पुराने हैं वो भी वीडियो को लाइक किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, कमेंट लाजमी किया करें मुझे, ताकि मुझे पता चले और मुझे हौसला अफजाई हो कि अच्छा यार अच्छे कमेंट आते हैं तो बंदा और अच्छी वीडियो बनाए। और मुझे बताया करें कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो पसंद है, ताकि मैं भी उस तरह की वीडियो बनाया करूं। अब मैं आपसे मिलती हूं थोड़ी देर के बाद। तो यहां पर अम्मी जो हैं गरम गरम जलेबियां लेकर आई थी, तो मैं इनको नहलाने वाली थी, तो अम्मी जलेबियाँ लाई, मैंने सोचा चलो पहले इनको खिला दूँ फिर बाद में जो है ना इनको नहलाती हूँ। यहाँ पर अनाया को फुल नींद आ रही थी, कह रही थी मामा मैंने सोना, मैंने कभी नहीं सोना वरना अब रात को नहीं सोगी। तो ये इतने मज़े से बैठ के खाते हैं, आजकल 2-3 दिन हो गए काफ़ी इनको शौक चढ़ा हुआ जलेबियाँ खाने का। मुझे तो शुरू से ही पसंद है, मैं छोटी सी थी मुझे इतनी मज़े की लगती हैं जलेबियाँ, और गर्म गर्म अच्छी लगती हैं, तो मैं तो खाती ही खाती थी आगे से। अब जो है ना ये मेरे बच्चे भी सारे बड़े शौक से खाने लग गए जलेबियाँ आजकल। तो यहाँ पर इनको साथ ही मैंने मीर को अब यहाँ पे इन बच्चों को नहलाना शुरू कर दिया। ये मीर से यहाँ पर अपनी कर्तव्य दिखा रहा था।
चलो ये देखो अच्छा देखो इधर सीधे पहनो सीधे नहीं ये उल्टी है सीधे शूज पहनते हैं सीधे तो यहाँ पे आप नया के बालों की शाइन चेक कर सकते हैं कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त इसके बाल हो गए हैं ऑयल लगाने के बाद माशाल्लाह जितना फ़र्क जो है बालों को पड़ रहा है ना इस ऑयल को लगाने से मैं कहती हूँ कि आप इस फ़ायदे को जल्दी से जल्दी उठा लें जिन्होंने नहीं वीडियो देखी अभी तक जाके वो देख लें लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करी मैं फिर बता रही हूँ भूल ना जाना आप लोग इतनी अच्छी लग रही हो देखो नहीं गंदे नहीं बहुत अच्छे हैं गंदे कपड़े नहीं अच्छे गंदे 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 मैं ऐसे ही आपकी यही सड़वा मुंह ही दिखाऊंगी वीडियो में देखना तो सही मैंने अच्छे से बना लिया आपके सड़े हुए मुंह की हमने मैंने कहे अब हर सर के पास देते होके यार ओके उधर ही हमने नाई नहीं कर ली है तो मुझे नाई नहीं कर ली हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मुझे पीछे ले जा बोलो अस्सलाम वालेकुम मामा पीछे के ले जा कौन सा बिछी चारो बाय बाय कर दो बाय बाय लाइक आई यू मुझसे ज़िंदगी में हज़ार बार भी एक सवाल पूछेगा ना कि तुम्हें ज़िंदगी में कौन सा सबसे बुरा काम लगता है तो मैं बोलूँगी कपड़े इस्त्री करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कपड़े इस्त्री करना इसलिए मैं अपने अक्सर कपड़े बगैर इस्त्री किए पहन लेती हूँ हम लोग जो हैं हमने हम जुमा वगैरह पढ़ लिया है जुमा वगैरह पढ़ के फारिग हो गए मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि थोड़े बहुत काम करने वाले थे वो करके तो फिर मैंने जो है नहाया और फिर मैंने जुमा पढ़ा और मैं थोड़ा सा आज जो है ना लेट हो गई हूँ पर खैर लेट होगी तो क्या कर सकते हैं तो अब जो है बच्चों के खाने का टाइम है नमाज़ वगैरह इन्होंने भी पढ़ ली थी तो अब इनसे पूछती हूँ कि ये क्या खाना चाहते हैं फिर मैं इनको वो बना के दूँगी आपने क्या खाना आज बताओ क्या खाओगे बताओ ये तेरे नाम वाला स्टाइल क्यों बनाया हुआ ये आप बाल चेक करें बस मेरे बेटे के ये आप जी वॉश करने के बाद का इसके रिजल्ट देखें बालों का कि कितने शाइनी और इतने स्मूथ और इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना ये लाइट की वजह से नहीं मैं लाइट बंद करके भी आपको दिखा देती हूँ ये देख रहे हैं आप बालों की बस आप शाइन चेक करें कि कितने शाइनी और कितने इससे हेल्दी से बाल हो जाते हैं मेरे पास कोई पुरानी इसकी वीडियो नहीं है वरना मैं आपको दिखाऊं कि जो है ना बाल जो है ना इसके कितने छोटू से थे अरे मम्मा मुझे पता है कितने थे इतने से थे मेरे हाँ इतने से ही थे तो अब ये बाल जो है ना ऑयल लगा के और पानी लगा के काफ़ी इसके अच्छे हो रहे हैं बाल और ये जी अम्मी आजकल इस प्रोजेक्ट पे बड़ा काम कर रही हैं मीर के स्वेटर बना रही हैं तो अब ये स्टार्ट उन्होंने किया हुआ था बस कंप्लीट होने ही वाला तकरीबन कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी पहना के इसको कि कैसे ये इसको हम कैसा स्वेटर अम्मी ने बनाया इसके बाद अम्मी के पास काफ़ी सारे ऑर्डर हैं अम्मी ने सबके बनाने हैं स्वेटर तो लेकिन स्टार्ट जो है मीर से किया था तो कह रही थी कि मीर के लिए कभी मैंने ऐसे कुछ बनाया नहीं है लाइट ऑन करके दिखाती हूँ ये देखें कितना अच्छा इसका डिज़ाइन और कलर भी इतना मज़े का लग रहा है मुझे तो मैंने कहा था मीर पहन के तो फिर पूरा हीरो ही बन जाएगा पेयर डिश और डिश डिश फिश डिश मैनर एंड डिश डिश टैटो एंड डिश पीच डिश सोलो रेडिश डिश रेडिश डिश तो मम्मी एंड डिश Ostrich. This. Horse. This. Babu. 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 And this. Ailey. Tattoo. चलते हैं और जो है ना खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं
हुआ पता नहीं क्या है कि कल जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, मैंने कल भी कुछ नहीं बनाया था, मैंने आज भी कल बनाया था साग बड़ा हुआ था, उसके साथ मैंने रोटी खाई। आज जो है कुछ भी नहीं बनाया मैंने, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, ना मेरा दिल चाह रहा था ना कुछ बनाने को, तो बस मैंने कहा जो पड़ा होगा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी और हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम आज भी कुछ नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि जो है बच्चों को मैं सोच रही थी अंडा पराठा बना के खिला दूँ, तो वैसे मैं और मम्मी होते हैं और बच्चे होते हैं तो बस बनाने वाला काम जो है ना थोड़ा कम ही करते हैं हम, मतलब बनाते हैं खाना रोज़ ही, लेकिन कभी एक दो दिन बीच में या एक दिन ऐसा होता है कि नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को जो है अंडा पराठा बना के दे रही थी, उसके बाद जो है हाँ जी बस साथ साथ अभी यहाँ पे शाम भी हो गई थी, तकरीबन 7-8 का टाइम हो गया था। अच्छा बंदा वीडियो बनाते हुए काफ़ी देर लग जाती है, वैसे नॉर्मल रूटीन में इतनी देर नहीं लगती, लेकिन वीडियो बनाने के लिए काफ़ी देर लग जाती है। तो यहाँ पे जी मैं बनाती हूँ बल वाले पराठे, बच्चे जो हैं बल वाले पराठे खाते हैं शौक से, और जो है मैं फिर इस तरह से जल्दी जल्दी इनको पराठे बना देती हूँ, साथ में ऑमलेट बना दूँगी, अभी बच्चे खा लेंगे वो और मैं भी जो है देखूँगी क्या खाना है, यही खा लूँगी मैं भी आज। अम्मी जो है बीमार रहती हैं तो वो इस तरह की चीज़ें ज़रा कम ही खाती हैं, तो कभी सब्ज़ी वाला सूप पी लेती हैं, कभी कुछ इस तरह का खाती रहती हैं। तो यहाँ पे ऑमलेट भी मेरा बन गया है तकरीबन, तो अब हम जल्दी से इसको बना लेंगे। और साथ साथ आप लोगों को मैं कह दूँ कि आप लोग जो हैं वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे खाना बन गया था, खाना सॉरी अंडा पराठा मैंने बना लिया था और ये मैं बच्चों को खिला रही हूँ और ख़ुद भी फिर मैंने यही खाया आज। खैर यहाँ पे मैं बच्चों को खाना खिला रही थी, खाना खाने के बाद आज जो है अनायक को सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, तो आज जो है मैंने मूवी लगा ली साथ में रात को तकरीबन 8-9 बजे, यहाँ पे हम 9 बजे तकरीबन देख रहे थे मूवी। तो जी अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसी के साथ वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।